नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है न्यू ओवल टेक। दोस्तों आप सभी को हैप्पी होली, और दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल हैं मेरे पास में। तो आप सभी का एक पहला सवाल ये है कि क्या हम सर RRB का जो जोन है, जो हमने ग्रुप डी के लिए भर दिया है, तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो मुझे हर कोई कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहा है, हर स्टूडेंट मुझसे पूछना चाहता है, जवाब चाहता है इसका। तो इसका जवाब मैं देने वाला हूँ। और एक और सवाल है, क्या हम एक से ज़्यादा पोस्ट या जोन के लिए आवेदन कर सकते हैं? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल एक और है, क्या हम ग्रुप डी और लोको पायलट टेक्नीशियन दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, बने रहें इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाना ना भूलें, और घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, जो कि हम रेलवे के रिगार्डिंग जो भी हम डालेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि रेलवे का ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है, उसमें आपने अगर बारीकी से अगर आपने चेक किया, उसको अच्छे से पढ़ा हो, तो यहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरी बात लिखी हुई है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी में भी अगर पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, आपको दोनों में डिटेल्स मिल जाएगी। आपको फर्स्ट नंबर के जो है ये आपको पढ़ लेना है। फर्स्ट नंबर में आपको साफ लिख रखा है, इस CEN के पेरा 20 में रेलवे भर्ती बोर्ड की सूचीबद्ध वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही आवेदन प्रस्तुत किया जाने चाहिए। इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत अपनी चुनी हुई RRB के लिए अधिसूचित सभी पदों के लिए केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अभ्यर्थी को केवल एक रेलवे भर्ती बोर्ड में ही आवेदन करना है। इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार को अयोग्य और वर्जित माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और एक और लाइन में आपको पढ़कर बताता हूँ, तीसरे नंबर का भी अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको और क्लियर हो जाएगा। उम्मीदवारों को रिक्त तालिका देखना आवश्यक है, उनकी पात्रता को पता करने और उनकी पात्रता के अनुबंध अनुसार संबंधित RRB तथा पद का विकल्प चुने। एक बार चुने गए और RRB का विकल्प अंतिम होगा। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही आपको जो मैं क्लियर करना चाहता था कि आप कह रहे थे मुझसे कि सर हम RRB चेंज कर सकते हैं क्या, अगर हमने पुराने जो 28 तारीख तक जो हमने फॉर्म भरा है, तो क्या सर हम उस RRB को चेंज कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप गलती ना करें, चेंजेस नहीं हो पाएंगे आपके, क्योंकि एक बार अगर आपने भर दिया है तो आपका चेंजेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। अगर हाँ रेलवे की तरफ से कुछ गाइडलाइन अगर आती हैं, कुछ भी संशोधन अगर और कभी इन फ्यूचर आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप पढ़ेंगे 1.5 नंबर का, तो तथ्यों के थोड़े बदलाव के साथ एक से अधिक आवेदन करने वाले उम्मीदवार के आवेदन सीधे सीधे रद्द कर दिए जाएंगे, तथा ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी आगामी परीक्षा के लिए प्रतिबंध कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी से हाथ जोड़ के मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा फॉर्म मत भरिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का रेलवे का करियर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि तथ्यों में थोड़े बदलाव के साथ साथ एक से अधिक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन सीधे सीधे रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी आगामी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंध कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भर दिया तो आपको आपका फॉर्म तो कैंसिल होएगा ही होगा, साथ ही साथ आपको इन फ्यूचर भविष्य में कोई भी ग्रुप डी टेक्नीशियन कोई भी भर्ती निकलती है तो उसके लिए आप योग्य नहीं रहेंगे, आपको वहाँ पर भी प्रतिबंध कर दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा, आपका फॉर्म चेक नहीं किया जाएगा, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा वहाँ से आप। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप प्लीज़ अगर आपने दो फॉर्म भर दिए हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गलती ना करें, आप गलती बिल्कुल भी ना करेंगे गलती। ठीक है दोस्तों, और एक और मैं आपको बता देता हूँ, आपने अगर ऑनलाइन पोर्टल देखा होगा तो यहाँ पर भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक FAQ फेक करके एक बना हुआ है ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर एक नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप नीचे जाएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको जाना है नीचे और यहाँ पर 11 नंबर का, यहाँ पर 11 नंबर का एक ऑप्शन है, इसको पढ़ लेना है। कैन आई चेंज माई RRB जोन यूजिंग मॉडिफाई एप्लीकेशन ऑप्शन? तो यहाँ पर इसका जवाब लिखा है नो, यू कैन नॉट चेंज योर एप्लीकेशन फ्रॉम वन RRB टू अनदर RRB, द सेलेक्शन ऑफ RRB वंस एक्सरसाइज शेल बी फाइनल। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर आपका पूरे सवाल का जवाब यही क्लियर हो गया है कि आप एक बार अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो वो आपका चेंज नहीं होगा। तो प्लीज़ आप एक बार आपने अगर जो सेलेक्ट कर लिया है वो आप चेंज करने की कोशिश ना करें, और एक से अधिक आप फॉर्म ना भरें,
क्योंकि अगर आपने एक से अगर अधिक फॉर्म भर दिया तो आप रेलवे में ब्लैकआउट ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, आपको बैन कर दिया जाएगा रेलवे की सभी भर्तियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता हूँ, आपकी बारीकी से जो जानकारी होती, जो आपको चाहिए होती, जो आपको जानकारी कोई नहीं देता, वही जानकारियाँ मैं आपको अपने चैनल के वीडियो के द्वारा मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों का एक और सवाल है कि क्या आप ग्रुप डी और लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए भर सकते हैं एक साथ फॉर्म? तो यस दोस्तों, आप दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप डी के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं और टेक्नीशियन और लोको पायलट के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है रेलवे की तरफ से, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, सिर्फ अगर आप टेक्नीशियन या लोको पायलट के लिए भी अगर दो फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको विचार करना होगा, वहाँ भी आपको ऑब्जेक्शन है रेलवे की तरफ से। प्लीज़ ग्रुप डी के लिए भी आप दो फॉर्म ना भरें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे इसे शेयर करें, उन्हें इस जानकारी को ज़्यादा आप इस जानकारी को उन दोस्तों के पास शेयर करें जिन्हें इस जानकारी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर उन्होंने भी ये गलती कर दी तो वो अपना रेलवे का करियर ख़त्म कर बैठेंगे, क्योंकि रेलवे ब्लैक लिस्ट कर देगा उन सभी कैंडिडेट्स को। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये गलतियाँ ना करें, क्योंकि आप लोगों का जो लाइफ है रेलवे का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आने पर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, और प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन को जरूर दबाएं और घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।